सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज प्रभु ने हमको एक मौका और दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पिछले कुछ महीनों से अपन लोग प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, और जैसा मैंने इसके पहले बताया था, प्रभु के चार महान अनुयायियों ने प्रभु की चार जीवनियां लिखी थी, और जब हम इन चार जीवनियों को कंबाइन करते हैं तब प्रभु यीशु के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। और यदि प्रभु ने मदद की तो आने वाले महीनों में इन चारों जीवनियों को कंबाइन करके क्रम से हम प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन करेंगे। प्रभु के जीवन का अध्ययन इसलिए करेंगे कि सारा संसार प्रभु यीशु को एक विशेष नाम से जानता है। जब मैं छठी में आया तो उस समय सामाजिक अध्ययन चलता था स्कूलों में। सामाजिक अध्ययन में दो भाग होते थे, पहला इतिहास और दूसरा भूगोल। पता नहीं अब 60 साल के बाद या 55 साल के बाद स्थिति क्या है। इतिहास में बहुत सारे राजे महाराजाओं के बारे में पढ़ाया जाता था, अकबर के बारे में पढ़ा, महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। उस इतिहास की पुस्तक में एक व्यक्ति का नाम था जगत की ज्योति। उसके नीचे लिखा हुआ था जगत की ज्योति महान प्रभु ईसा मसीह। याद रखें, इस पुस्तक की रचना प्रभु यीशु के या ईसा के भक्तों ने या अनुयायियों ने नहीं की, इस पुस्तक की रचना किसी और ने की। लेकिन जिसने भी इस पाठ्य पुस्तक की रचना की वो प्रभु यीशु को जगत की ज्योति के रूप में जानता था या पहचानता था। बाद में जब हम बड़े क्लासेस में पहुंचे, 10th वगैरह में पहुंचे, तो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज भी जुड़ गया और जनरल नॉलेज की प्रतियोगिताएं भी होने लगी, तो जाके जनरल नॉलेज की किताब खरीदी तो उसमें जनरल नॉलेज की बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे हिंदुस्तान में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, सारे संसार में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे चौड़ी कौन सी है, सबसे गहरी कौन सी है, सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है। उसमें ये जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक है इसमें एक अध्याय था विश्व के अति महान व्यक्ति। इन व्यक्तियों के बारे में एक एक करके इन व्यक्तियों का नाम दिया हुआ था, जैसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता। भाई ये तो जानी हुई बात है कि बापूजी जो है वो राष्ट्रपिता थे या राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं। उस पुस्तक को आगे देखा तो वो इतिहास में पीछे की तरफ जाने लगा, और 2000 साल पहले पीछे जाके उस पुस्तक में फिर से एक नाम था जगत की ज्योति। जगत की ज्योति कौन? ईसा मसीह या प्रभु यीशु। तो दुनिया जिस व्यक्ति को इतना महान जानती है कि वो व्यक्ति जगत की रोशनी है या जगत की ज्योति है, तो उस व्यक्ति की जीवनी का अध्ययन हम में से हर व्यक्ति के जीवन में कितनी अधिक रोशनी लाएगा, ये बात हम सब आज एक बार और समझ लें। दूसरी बात और भी है, संडे शाम को इस हॉल में जो सत्संग होता है, इस सत्संग का उद्देश्य प्रभु यीशु, जिनको अपन उत्तर भारत में ईसा या ईसा मसीह भी कहते हैं, उनके अनुयायी लोग ये सत्संग चलाते हैं, जिससे कि उनके जीवन में प्रभु ईसा या प्रभु यीशु के द्वारा जो ज्योति मिली है, जो रोशनी मिली है, जो खुशी मिली है, वो खुशी हम सबके साथ बांट सके।
उसके अलावा एक कारण और भी है, सिर्फ प्रभु यीशु के बारे में बताना कारण नहीं है, उसके अलावा एक कारण और है जो मुझे लगता है पचासों या सैकड़ों बार मैं बता चुका हूँ। भाइयों बहनों, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और चूंकि जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, इसलिए दो बातों को मत भूलना। पहला, अपने सृजनहार को मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन कभी नहीं भूलना। नंबर दो, इस बात को याद रखना मेरी प्रिय बहन या मेरे प्रिय भाई, ये संसार तुम्हारा भवन नहीं है। संसार में हम बहुत थोड़े समय के लिए है। जरा बताएं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, सबसे ज़्यादा उम्र आपने कितनी देखी है अपने परिवार में? 80, 90? मेरे फादर 89, एक साल में 90 साल के हो जाएंगे। 90 से ज़्यादा के लोग देखे हैं क्या? देखे होंगे। हाँ, क्या उम्र, किस उम्र तक देखा है? हाँ, कितने हो गए? 110। कमाल हो गया। मेरे परदादा 103 साल की उम्र तक रहे थे, और मुझे अभी भी याद है जब मैं 5वीं में था तब तक जीवित थे। इधर भाई के दादाजी 110 साल के हो गए अभी भी जी, दादी जी, अच्छा दादी जी, वो कितनी, उनकी उम्र कितनी है? 110 के आसपास होगा। कमाल हो गया, 110 के आसपास, बहुत बड़ी चीज है। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ ऐसा कोई है क्या जिसने 120 साल की उम्र के व्यक्ति को देखा है? नहीं देखा। 120 साल की उम्र का फोटोग्राफ देखा है क्या? अखबारों में कभी कभी, खासकर जनरल नॉलेज की किताब में ऐसे लोगों के नाम और चित्र वो लोग दे देते हैं जिसकी उम्र दुनिया में सबसे ज़्यादा रही है। और मेरी जानकारी में दुनिया में जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा रही है, मतलब आधुनिक काल में, 125 साल की एक दादी माँ थी जापान की। उससे ज़्यादा 130 साल का कोई है क्या? 150 साल तक कोई जी सकता है क्या? नहीं जी सकता है। पिछले 200 साल से मेडिसिन के फील्ड में बहुत अध्ययन हो रहा है आदमी की उम्र बढ़ाने के लिए, लेकिन अब वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, कितनी भी आप उम्र बढ़ा लें, 120 के आसपास औसत उम्र होगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नंबर एक सृजनहार को ना भूलें, नंबर दो कल को ये दुनिया छोड़कर हमें जाना होगा। वो गाना आपने सुना होगा, मिट्टी का ये पुतला है मिट्टी में मिल जाएगा, मेरी मानो इंसान बाद में पछताएगा, मिट्टी का ये पुतला है मिट्टी में मिल जाएगा। और इस कारण हमें प्रभु ने जो समय दिया है, इसमें से एक अच्छा अमाउंट कम से कम प्रभु की उपस्थिति में बिताना है। इसलिए भी हम यहाँ सत्संग के लिए एकत्रित होते हैं। आज पहली बार जो भाई बहन आए हैं, मैं न केवल उनका स्वागत करता हूँ, उनको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, इसलिए सत्संग के लिए आ जाया करें, उसके लिए फुर्सत निकाल के आ जाया करें। अच्छा, यहाँ हम किस विषय का अध्ययन करते हैं ये भी मैं बता दूँ। प्रभु यीशु के अनुयायियों ने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की थी। प्रभु के पहले भी बहुत सारे लोगों ने पुस्तकों की रचना की थी। कुल 1500 साल में ये जो 40 के करीब पुस्तकों की रचना हुई थी, उन सबका कलेक्शन है ये पवित्र बाइबल। हम लोग जब एकत्रित होते हैं तब पवित्र बाइबल से प्रभु जिस तरह से अगुवाई देते हैं, उस तरह से कोई ना कोई एक हिस्सा सेलेक्ट करके उसका अध्ययन करते हैं। इसके पीछे एक कारण है, यदि प्रभु को स्मरण करना है तो प्रभु के वचन के द्वारा ही हो सकता है। मेरी वाणी सुनाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ जरिया हूँ, प्रभु का
प्रभु की वाणी आप तक पहुंचाने के लिए एक जरिया, एक स्रोत, जिसने बैठकर प्रभु के वचन का अध्ययन किया, मनन किया, ना केवल अध्ययन या मनन किया, बल्कि यहाँ जितने भाई लोग इस सत्संग के कर्ता धर्ता हैं, अक्सर मैं उन लोगों से भी पूछ लिया करता हूँ कि भैया ये प्रवचन में ये फलाने विषय को आज प्रेजेंट करने का इरादा है, ये सही है क्या? तो इस तरह से आज भी भाई जेफरी जब वहाँ आके बैठे, मुझसे बहुत छोटे हैं, मुझे लगता है कम से कम 40 साल छोटे हैं, मैंने उनसे भी पूछा कि देखो मैं फलाने विषय का अध्ययन पेश करने जा रहा हूँ, ये उचित है या अनुचित है? तो मैं ये कहने चाहता था कि यहाँ आके आपके सामने खड़े होकर मन में जो आया वो आपके सामने पेश करने के बदले मैं ना केवल प्रभु की उपस्थिति में बैठकर ध्यान मनन करता हूँ, बल्कि जितने कर्ता धरता हैं इन लोगों से भी पूछ कर, जिससे पता चले कि प्रभु के वचन से कौन सा हिस्सा हमारे लिए उपयोगी होगा। सभी का ये सुझाव था कि प्रभु यीशु की जीवनी का अध्ययन किया जाए, क्योंकि जो जगत की ज्योति है, यदि उस व्यक्ति के जीवन का विस्तार से अध्ययन किया जाए तो हमारे जीवन में भी रोशनी आएगी। प्रभु की जीवनी प्रभु के चार अनुयायियों ने लिखी थी, जिनमें से पहले अनुयायी का नाम था मत्ती। उस जमाने में, आज से 2000 साल पहले, मध्य पूर्व में ऐसे ही नाम चलते थे। दूसरे का नाम था मरकुस, तीसरे का नाम था लूका, चौथे का नाम था यूहन्ना। इसमें कई घटनाएं चार लोगों ने लिखी है, कुछ घटनाएं तीन लोगों ने लिखी हैं, कुछ घटनाएं दो लोगों ने लिखी है, कुछ घटना एक ने ही लिखी है। तो अब तो बाकायदा उसका चार्ट मेरे सामने रखा है, जिसमें से हम क्रम से प्रभु यीशु की जीवनी देखेंगे। आज के अध्ययन के लिए मत्ती नामक पुस्तक के 12वें अध्याय से मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। सुन लीजिए, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के शुरू में लिखा है, उस समय प्रभु यीशु, मतलब ईसा, सबत के दिन, मतलब यहूदियों का विश्राम का दिन रहता था, खेतों में से होकर जा रहे थे। प्रभु के शिष्यों को भूख लगी, खेतों से बालियां तोड़ तोड़ कर वो खाने लगे। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी, याद है? आप मान लीजिए गांव में आपका खेत है, मूली लगी है या गाजर लगे हुए हैं, यदि कोई भूखा कहता है कि भैया बड़ी भूख लग रही है, मैं एक गाजर खा लूं क्या, तो गांव वाले तो हमेशा ही उदारता से कहते हैं कि भैया खा लो। बल्कि होगा ये कि आप उसमें से जो सबसे अच्छा गाजर होगा वो ढूंढ ढांड के उखाड़ के बाकायदा पानी में धो के उसको खिलाएंगे। मैं इस बात को इसलिए जानता हूँ कि बाकायदा मैंने एक गांव में जन्म लिया है, और गांव में क्या होता है ये मैंने देखा है। चंबल में भी गांव में जब हम जाते हैं, कई बार साथ में ले जाई गई चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, गन्ने की खेतों में, मूली की खेत में, गाजर की खेत में, चने जहां लगे हैं खेतों में जाकर हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उदारता के साथ लोग दे देते हैं। प्रभु यीशु और शिष्य इस तरह से जब गांव से जा रहे थे, शिष्यों को लगी भूख। शिष्यों को जब बड़ी भूख लगी तो जो गांव का कायदा है उसके अनुसार आप खेत की बालियां तोड़कर अपनी जेब में नहीं डाल सकते, थैले में नहीं डाल सकते, वो तो चोरी होगी, लेकिन यदि आप भूखे हैं तो तोड़कर खा सकते हैं। वहां जो खेती होती थी उसमें से सही सही रीति से बाली गुच्छा उसको तोड़ के हाथों में मसल लो, दाना हाथ में आ जाता था, और वो जो कच्चा दाना है वो दूध के समान मीठा होता है। तोड़ तोड़ के खाने लगे, भूख लगी थी,
वहां कुछ ऐसे लोग पाखंडी लोग थे जो दूसरों को शिक्षा देने में बड़े एक्सपर्ट थे। अपन हिंदी में कहते हैं ना, पर उपदेश, पराय को उपदेश देने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये पाखंडी लोगों ने जब देखा कि प्रभु के चेले विश्राम के दिन, उस दिन यहूदी लोग जनरली मेहनत का कोई काम नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे और पेड़ नहीं काटते थे। पेड़ों में यदि फल पक गया है तो भी उसे अगले दिन के लिए छोड़ देते थे। उस समाज में कुछ पाखंडी लोग थे, उन्होंने कहा, अरे अरे अरे, ये खेतों से बालियां तोड़ तोड़ कर हाथों से मसल मसल कर खा रहे हैं, ये तो श्रम हो गया, श्रम करना तो बिल्कुल मना है। उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अपने शिष्यों को बताइए कि विश्राम के दिन श्रम करना उचित नहीं है। प्रभु के जीवन का जब अपन अध्ययन करते हैं तब हम प्रभु के जीवन में बार बार एक चीज देखते हैं। प्रभु बार बार इस बात पर जोर देते थे कि पाखंड से कोई भी व्यक्ति पाखंड के द्वारा प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता है। प्रभु के पास यदि कोई जाना चाहता है तो उसके जीवन में भक्ति होनी चाहिए, उसके जीवन में ईश्वर के प्रति भय होना चाहिए। लेकिन पाखंडियों से बोलो, डायरेक्टली बोल दो तो वो नहीं माने। इस कारण प्रभु हमेशा उसका अलग तरह से जवाब देते थे। प्रभु ने पूछा, देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रभु ने कहा, अरे ये बताओ कि तुम्हारे घर में विश्राम के दिन यदि तुम्हारा जानवर भूखा हो उसको खाना दोगे क्या, प्यासा हो उसको पानी दोगे क्या? आप पूछेंगे कि शास्त्री सर, ये तो यहां नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैं चार्ट लेके आपके सामने खड़ा हूं। ये जो भाग हमने मत्ती नामक पुस्तक के 12वें अध्याय से मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया, इस कहानी का बाकी डिटेल मरकुस नाम के पुस्तक के 2 अध्याय के 23 से लेकर 28 में मिलता है। इसको नोट कर लें, आइंदा मैं जब क्लास लूंगा तब एक पुस्तक से पढ़ूंगा, बाकी पुस्तकों का हवाला दूंगा और उसके साथ साथ ये बताता जाऊंगा कि उन पुस्तकों में कहाँ मिलता है, जिससे कि सत्संग के बाद आप घर जाके बाकी पुस्तकों में जो लिखा है उसको पढ़कर अपना अध्ययन कंप्लीट कर सके। तो मत्ती के पुस्तक 12वें अध्याय के 1-8 में हमको जो मिलता है, मरकुस नाम के लेखक की पुस्तक के 2 अध्याय के 23 से लेकर 28 में मिलता है। खत्म नहीं हुआ, नोट कर लें। लूका नामक पुस्तक के, मतलब 3 पुस्तक के 6 अध्याय के 1-5 पद में यही घटना हमको मिलती है। तो आज इस अध्ययन से पहले वो सब मैं पढ़कर आया था, प्रभु ने मदद की, तो अगले हफ्ते से वो सब छाप के ले आया करूँगा, जिससे मुझे आपके सामने खड़े होकर पन्ने ना पलटने पड़े। आज घर जाके आप ये तीनों पोर्शन पढ़ लें, ठीक है? तो इन तीनों घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तब एक जगह लिखा हुआ है कि इस तरह से हाथों से मसल कर खाना उचित नहीं है, ये तो कर्म हो गया। तब प्रभु ने जवाब दिया कि अरे पाखंडी, तुम्हारे घर में यदि कोई जानवर प्यासा है उसको विश्राम के दिन पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे? प्रभु ने उससे भी बड़ा एक उदाहरण दिया कि अरे पाखंडी, यदि तेरा पालतू जानवर किसी कुएं में गिर जाए तो तुम ये कहोगे क्या, विश्राम का दिन निकल जाने दो फिर हम उसको कुएं से बाहर निकालेंगे? जो लोग जानवर पालते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि कितना स्नेह हो जाता है जानवरों से, परिवार का अंग बन जाता है। अक्सर लोग तो जानवरों को नाम भी दे देते हैं। इसलिए प्रभु ने ये जो उदाहरण दिया, ये पाखंडी लोग जो सुन रहे थे उनको ये बात अचानक समझ में आ गई कि सच कह रहे हैं प्रभु कि हम जो जानवर पालते हैं, जब हम
उन जानवरों को विश्राम दिन के समय भोजन देते हैं या पानी देते हैं, तब हम ये बातें नहीं सोचते। प्रभु के शिष्य जो बुरी तरह से भूखे हैं और जो सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, जब वो लोग भूखे हो गए तब हम टोका-टोकी कर रहे हैं। लेकिन पाखंडी तो पाखंडी ही रहता है। प्रभु ने उनसे ये सारी बातें जो कही थी उसके पीछे एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? प्रभु तो जहां भी गए वहां लोगों को विश्राम, आराम, चंगाई और उनको जो भी चाहिए वो देते गए थे। प्रभु तो सर्वज्ञानी है, प्रभु को मालूम था कि इस घटना के बाद क्या होने वाला है, इसलिए प्रभु ने उनसे पूछा कि अरे पाखंडी, तेरा जानवर असहाय स्थिति में यदि पहुंच जाए तो तू उस जानवर को मरने के लिए कुएं में पड़ा रहने देगा क्या? इसके तुरंत बाद नवे पद में हम पढ़ते हैं, वहां से चलकर प्रभु उनके आराधनालय में आए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका सारा शरीर सामान्य होता है लेकिन एक हाथ इस तरह से होता है, कमजोर होता है, और कमजोर होने के कारण वो हाथ इस तरह से ना तो टांग सकते हैं ना इस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके मसल्स धीरे 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 शोषण के कारण मसल्स छोटे होते चले जाते हैं, और हाथ जिसको टांगने के लिए पूरे मसल्स चाहिए वो हाथ धीरे 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 मुड़ मुड़ के इस हालत में पहुंच जाता है। मेरा अनुमान है आप में से हर एक ने देखा होगा इस तरह के लोगों को। इसको बोलते हैं सूखा हाथ। ऐसे ही कई बार पैरों के साथ होता है, एक पैर सामान्य है, दूसरे के मसल्स जो है वो धीरे 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 इस तरह से छोटे होते चले गए कि उसका पैर ही यूँ सिकुड़ गया या अकड़ गया या दोनों हो गया। प्रभु जब आराधनालय में गए तो वहाँ इस तरह का एक आदमी बैठा हुआ था। प्रभु उसको चंगा करना चाहते थे। प्रभु को मालूम था ये पाखंडी लोग विरोध करेंगे, ठीक है। तो प्रभु ने क्या किया, उस आदमी को चंगा करने के लिए आगे गए तो पाखंडी लोगों ने एकदम से रोक दिया। प्रभु ये तो विश्राम का दिन है, इस दिन चंगाई देना तो कार्य हो गया, कार्य करना नहीं चाहिए। देखिए यहां लिखा हुआ है दसवें पद में, उन्होंने प्रभु पर दोष लगाने के लिए उनसे पूछा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है क्या? प्रभु की एक विशेषता है, प्रभु से प्रभु को फांसने के लिए कभी भी कोई भी प्रश्न पूछता था तो प्रभु प्रश्न का जवाब प्रश्न से देते थे। यहां लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो विश्राम के दिन गड्ढे में गिर जाए, तो कौन है तुम में से जो उसको पकड़कर बाहर नहीं निकाले। उसके बाद प्रभु ने कहा कि देखो ये मनुष्य जो ईश्वर के स्वरूप में जिसकी सृष्टि हुई है, अरे पाखंडी, तुम्हारा एक भेड़ जिसको तुम विश्राम के दिन गड्ढे में से निकालोगे, ईश्वर के स्वरूप में जिस व्यक्ति की सृष्टि की है, जिससे मैं असीमित प्रेम करता हूं, जिसके कारण स्वर्ग छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, यदि तुझे उस भेड़ की फिक्र है तो उसकी तुलना में इस मनुष्य की कीमत कितनी अधिक है, और इस कारण उसका तू तो मालिक है, तू भेड़ को बचाएगा, मैं सृष्टा हूं, मैं अपनी सृष्टि को क्यों नहीं बचाऊंगा। यह कहकर प्रभु ने क्या किया, उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ाओ। देखिए जिसका हाथ इस तरह से बिल्कुल मुड़ गया है, सूख गया है, उससे हाथ बढ़ाने को कहो
तो देखने वाले को लगेगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन संसार के सृष्टा मजाक नहीं करते। और वो जो आदमी जो उस बीमारी से पीड़ित था, वो भी इस बात को समझ गया कि आज तो संसार के सृजनहार सृष्टा मनुष्य रूप में मेरे इस दीनहीन अधम लाचार के सामने खड़े हुए हैं, और इस कारण मुझसे वो जो कह रहे हैं उसके पीछे एक मकसद है, एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को समझने के कारण उसने टोका टोकी नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु आप मजाक कर रहे हैं क्या, ये हाथ तो जिंदगी भर मैं कभी इस हाथ को आगे नहीं बढ़ा सका, आप कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, पहले इसको चंगा तो कर दीजिए फिर मैं हाथ आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, सृष्टिकर्ता जब उसके सामने आकर मनुष्य रूप में विराट वहां खड़े हो गए, तो उस व्यक्ति ने पहचाना कि यह सृष्टिकर्ता है। क्या हुआ, तब उसने उस मनुष्य से, तब प्रभु ने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ाओ, उसने बढ़ाया। क्या उसका परिणाम हुआ, जो उसका अच्छा हाथ था उसके समान ये हाथ भी चंगा हो गया। यहां लिखा हुआ है दूसरे हाथ के समान चंगा हो गया, वहां लिखा हुआ है कि कुछ जो पाखंडी लोग वहां पे खड़े थे उन्होंने बाहर जाके आपस में सम्मति की कि यह व्यक्ति जो दूसरों को जीवन दान दे रहा है उसको किस तरह से नष्ट किया जाए, मतलब किस तरह से उसकी हत्या कर दी जाए। बाकी प्रभु के साथ क्या हुआ ये तो हम क्रम से देखेंगे, लेकिन आज मैंने आपके सामने प्रभु के वचन से जो बातें पढ़कर सुनाई हैं उसके प्रकाश में, उसके संदर्भ में हम प्रभु के वचन से कई बातें समझ सकते हैं। नंबर वन, हम में से हर कोई पाखंड कर सकता है, दिखावा कर सकता है। दिखावे से सिर्फ दिखावा ही होगा और कुछ नहीं होगा, आत्मिक जीवन में कुछ नहीं होगा। जब सत्संग के लिए आते हैं यहाँ, मैं यहाँ तो सभी लोग बहुत सिंसियरली करते हैं, लेकिन कई बार इस बात को हम जानते हैं कि सत्संग में आते हैं लोग ताली बजा रहे हैं तो कई लोग तो उससे दस गुना जोर से ताली बजाते हैं, बल्कि जरूरी हुआ तो उछल के उठ के नाचने भी लगे। देखने वाले जानते हैं कि पाखंडी ये क्या कर रहा है, मतलब यहाँ से बाहर जाएगा तो फाटक से बाहर जाते ही मुंह से गालियां शुरू हो जाएंगी, घर पहुंचते ही नशे में धुत हो जाएगा, ये अपन जानते हैं। मैंने एक एक्सट्रीम उदाहरण आपके सामने इसको इसलिए रखा कि जो जीवन में पाखंड करता है, जो दिखावा करता है, उसको लगता है कि ये दिखावा जीवन है, ये दिखावा जीवन नहीं है। ये दिखावा इस बात को बताता है कि हमने जीवन को नहीं पहचाना, जीवन को नहीं पाया, इस कारण हमको मुखौटा लगाना पड़ता है। आपने शायद अखबार में पढ़ा होगा, पत्रिकाओं में पढ़ा होगा, प्रेम में किसी लड़की ने दुत्कार दिया तो अपने एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा वगैरह में कई लड़के एसिड ले जाकर लड़की के मुंह पर डाल देते हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है। उन लड़कियों का चेहरा आपने कभी देखा है क्या, बहुत भयानक होता है। वे लड़कियां जब समाज में निकलती हैं तो हमेशा पर्दा करके निकलती है, क्यों, इसलिए कि उनका उनकी जो भयानक हालत किसी ने कर दी है वो दूसरे लोग ना देख सके, इसलिए चेहरा छिपाना जरूरी है। मेरी उन लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन आत्मिक जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि मैं दरअसल पापी, प्रभु का विरोधी और आत्मिक रूप से हर तरह से कुरूप व्यक्ति हूं, इस कारण मुझे प्रभु के पास जाकर प्रभु से छुटकारा
मुक्ति या चंगाई के लिए याचना करनी चाहिए यह समझने के बदले वो लोग मुखौटा लगाते हैं। एक मैंने जिन लड़कियों के बारे में बताया, मुंह कवर करना कई बार उनके लिए जरूरी हो जाता है। हाँ, आप पूछेंगे कि ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है। मेरी राय यह है कि जो लड़के इस तरह का काम करते हैं उनको तो इमीडिएटली फांसी पर टांग देना चाहिए। ठीक है, तो वो विषय छोड़ के मैं अपने विषय पर वापस आता हूँ। वे लोग एक आवश्यकता के कारण चेहरा ढांकते हैं। पाखंडी, उससे उसको प्रभु से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन प्रभु के पास जाने के बदले वो कृत्रिम रूप से अपने आप को आत्मिक बनाने की कोशिश करता है। यहाँ ये लोग जो प्रभु से बात कर रहे थे, संसार के सृष्टा को पहचानने के बदले सृष्टा को ही उपदेश दे रहे थे। मतलब उल्टे बांस बरेली को, जो अपन कहावत है, वो स्थिति यहाँ हो रही थी। तो प्रभु ने सबसे पहले उनको बताया कि अरे पाखंडी, तेरी एकमात्र भेड़ कुएं में गिर जाए तो तू क्या करेगा। इतना कहने के बाद फिर प्रभु ने उस व्यक्ति से कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ। उसने हाथ बढ़ाया, चंगा हो गया। तीसरी बात जो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रभु सिर्फ बीमारों को चंगा करने के लिए इस संसार में पधारे थे क्या? नहीं, प्रभु के आने का मुख्य उद्देश्य भूखों को रोटी देना, बीमारों को चंगाई देना ये नहीं था। वो तो सृजनहार जहां भी गए, लोगों की परेशानी उन्होंने देखी, परेशानी में उनको छुटकारा दिया। लेकिन सृजनहार सृष्टिकर्ता मनुष्य रूप धारण करके संसार में जो पधारे थे, उसका मुख्य कारण यह है मेरे और आपके जीवन में जो असली रोग है, जो मूल रोग है, जो कुरूपता है, उसको चंगाई करके हमको सौंदर्यवान बना दें, ईश्वर के स्वरूप में बदलने की शुरुआत करें। आप पूछेंगे, शास्त्री सर आप क्या कह रहे हैं, मनुष्य के लिए ईश्वर के स्वरूप में बदलना हो सकता है? कि जी हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके मुक्ति या उद्धार पाते हैं, उनका स्वरूप धीरे 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 बदलता है। वो मैं चौथे पॉइंट के रूप में बोलूंगा, अभी तीसरा खत्म कर लूं। तो मेरे और आपके जीवन में पाप के कारण जो भयानकता आई है, जो अंधकार आया है, उस अंधकार से मुझे और आपको मुक्ति देने के लिए प्रभु संसार में पधारे हैं। वो मुक्ति मैंने पाई है। आज मैं आपके सामने, आप लोगों के सामने खड़े होकर हिम्मत के साथ कह सकता हूँ, शायद इसके पहले मैंने 100 बार ये बात कही होगी, 1000 बार कही होगी, लेकिन 1000वें बार के बाद अगली बार भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आज से 60 साल पहले मुझे जब मेरे पिताश्री ने बताई, ये बात बताई, बेटा आया है सो जाएगा, राजा हो रंक हो फकीर हो, और इसलिए बेटे ये याद रखो, ऐसी जगह जाना है जहाँ तुम सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहोगे। और जब मेरे फादर ने, पिताश्री ने ये बात बताई कि प्रभु इस संसार में तुमको ये नया जीवन देने के लिए आए थे, वहीं मैंने घुटने टेक कर मान लिए, हे प्रभु मैं पापी हूँ और मेरे पाप के लिए प्रभु इस संसार में आए और मेरे लिए सूली पर बलिदान हुए, आज मैं प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ, उस दिन से मेरे जीवन में एक नई खुशी और एक नई शांति है। आज यहाँ जितने भाई बहन लोग विराजमान हैं, उनमें से यदि कोई भाई या यदि कोई बहन ऐसा है या ऐसी है जिसने इस नए जीवन को नहीं पाया है, तो आज इस सभा के बाद मुझसे आके मिल लें, मैं आपको डिटेल में ये बात बताऊंगा। मेरे अलावा और भी कई लोग हैं जो आपको डिटेल में बताने के लिए उत्सुक हैं। चौथी बात, मैंने आपको ये बताया था कि प्रभु इस संसार में इसलिए भी पधारे कि हमारा स्वरूप बदल दे। ऐसा है कि जी हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु यीशु में है, जिसने प्रभु यीशु में मुक्ति पाई है, वो एक
नई सृष्टि है। जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं उस समय हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। खत्म हो गया क्या? जी नहीं, ये तो सिर्फ एक आरंभ है। जब एक शिशु हमारे घर में जन्म लेता है उस नवजात शिशु को अपन घर ले आते हैं, उसका नाम वगैरह देते हैं। खत्म हो गया क्या? जी नहीं, ये तो आरंभ है। अब हर दिन हम ये देखते हैं बच्चा धीरे धीरे उसका वजन बढ़ रहा है क्या, ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा हमको पहचानने लगा है क्या, मुस्कराता है क्या, मुंह में दांत आने लगे क्या, एक आध दो टूटे फूटे शब्द बोलने लगा क्या। क्यों? इसलिए कि जन्म तो सिर्फ आरंभ है, अंत नहीं है। इसी तरह से मैं और आप जो प्रभु यीशु के द्वारा इस नए जीवन को पा लेते हैं तो उसके बारे में प्रभु के वचन में लिखा है जो कोई प्रभु यीशु में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वे सब नई हो गई, लेकिन ये सिर्फ आरंभ है। उसके बाद हमें अपने आत्मिक जीवन में धीरे 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 प्रोग्रेस करना है। इसके बारे में प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। कम से कम एक बात जो आज घर जाके आप लोग पढ़कर देखें, मैं वो रेफरेंस वो पद बताए देता हूँ, उसको नोट कर लें। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद, रोमियो की पत्री 12:1-2 में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, उन दोनों पदों का मतलब क्या है, हमारे जीवन में रूपांतर होना चाहिए। जिस तरह से एक बच्चा पैदाइश के बाद धीरे धीरे बढ़ता है उसमें रूपांतर होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में ये बदलाव आना चाहिए। इस तरह से बदल बदल के प्रभु के वचन में लिखा है। हम जब समय मिलेगा तब उसको खोल कर देखेंगे कि एक समय ऐसा आ जाएगा जब इस तरह से रूपांतर होते 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 हम प्रभु के स्वरूप में पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे वाह सर, शास्त्र सर अच्छी बात है, तो जरा ये बता दीजिए कि 2-4 दिन में ये हो जाए। जी नहीं, हम में से हर एक को प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के बाद प्रभु ने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100 साल दिए हैं, जब क्रमशः रूपांतर होगा, धीरे धीरे हमारा मन बदलेगा। जब हमारा मन बदलेगा उसके साथ साथ हमारा चाल चलन बदलेगा, जब चाल चलन बदलेगा तो समाज में हमारा जो प्रभाव है, जो हम दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं, वो प्रभाव धीरे धीरे बदलता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हम अपने स्वयं के जीवन के द्वारा सैकड़ों या हजारों लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करेंगे, ये हमारे रूपांतर का हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका रूपांतर इतना ज्यादा हो गया कि लोग उनको प्रभु का ही रूप समझते थे। आज से मेरा अनुमान है कि शायद 101 साल पहले एक आंदोलन चालू हुआ था, समाज के शराबी कबाबी और इस तरह के लोगों को उन लोगों ने एक नया जीवन देना शुरू किया। वो जो आंदोलन है उसका आरंभ एक व्यक्ति ने किया था जिनका नाम था विलियम बूथ। पाश्चात्य राज्यों में यह आंदोलन चालू हुआ था। उस महान व्यक्ति के बारे में लोग कहते थे, उस व्यक्ति को देखो तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु को देख लिया। क्यों? इसलिए कि वो व्यक्ति लोगों के जीवन में जो समाज के सबसे ज्यादा अभागे
भूखे और नंगे लोग थे, उनको एक नया जीवन देने के द्वारा वो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में इतना बदल गया कि उनके बारे में उनके अनुयायी लोग नहीं, दूसरे लोग कहते थे कि उनको देख लिया तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु को देख लिया। उन्होंने अपने उस आंदोलन का नाम रखा था सालवेशन आर्मी, मतलब मुक्ति सेना, जो हर जगह लोगों को जाकर उनके जीवन में जो अघाप, जो अभागापन है उससे मुक्ति देगी। सारे संसार में गरीब, अभागे, अनाथ ऐसे लाखों लोगों को उन्होंने जीवन दान दिया। मैंने स्वयं उनका काम देखा है। आज से कुछ साल पहले जब मैं हिंदुस्तान के बाहर एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया तो वहाँ यह अंतर मैंने देखा था। वहाँ एक अच्छा कंबल जो कि 5,000 में मिल रहा था, वही कंबल ये जो मुक्ति सेना है इसके दफ्तर में चले जाएं 50 रुपये में दे रहे थे। शर्त सिर्फ इतनी है कि भैया यदि आपकी औकात है 5,000 में खरीदने की तो दया करके यहाँ ना आए, क्योंकि ये तो अभागे लोगों के लिए है, इसके अलावा कोई शर्त नहीं। जो 5,000 में वहाँ मिल रहा था 50 में ये दे रहे थे। क्यों? इस समाज में ऐसे बहुत सारे अभागे लोग हैं जिनके लिए 50 भी बहुत भारी है। इस तरह से वो लोगों को, उन्होंने लोगों को जीवन दान दिया। इस कारण इस आंदोलन के संस्थापक के बारे में कहा जाता था कि उनको देख लिया तो प्रभु को देख लिया। मेरे आपके जीवन में भी ये हो सकता है, यदि हम, प्रभु ने हमको जिस कार्य के लिए बुलाया है उस कार्य के लिए तन मन धन से निकल पड़े तो हमारे जीवन में जो रूपांतर होगा उस रूपांतर को देखकर भले ही लोग ये ना कहें कि प्रभु को देख लिया, कम से कम वो लोग इतना तो कहेंगे कि प्रभु के एक सच्चे शिष्य से आज मेरी मुलाकात हुई, मेरा जीवन बदल गया। आज संध्या को ये चार बातें मैं आपके सामने प्रभु के वचन से रखना चाहता हूँ और क्लोजिंग में फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, इस तरह का कोई व्यक्ति यहाँ हो तो आज शाम को मुझसे मिल के जाइए, मैं आपको विस्तार से सारी बातें समझाऊँगा। जिन लोगों ने यह नया जीवन पाया है उनसे मेरा अनुरोध है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, अपने जीवन में रूपांतर होने दीजिए, जिससे कि कल को लोग आपको देखकर कह सकें वो फलाने को देख लिया, वाकई में वो व्यक्ति प्रभु यीशु का सच्चा शिष्य है। आपके जीवन को देखकर कह सकते हैं क्या, कहेंगे क्या? मेरे जीवन को देखकर कहेंगे क्या? ये बातें सोचने के लिए प्रभु हम में से हर एक की मदद करें।